हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एलेक्स जूनियर ड्राई सिरप के बारे में, जिसका उपयोग किया जाता है बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम में। इसको मैन्युफैक्चर करते हैं वह ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल है, और इसका 60 ml का बॉटल है जिसकी कॉस्ट है 87 रुपीज़। और इसके अंदर कंटेंट है वह क्लोरोफिनेरामाइन मिले 2 mg है, डेक्सट्रोमीथरफन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg है ईच 5 ml में। तो एलेक्स जूनियर के सिरप के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसे डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं और कितने समय के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, किन कंडीशन में बच्चों को पिलाना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप ऐसे ही मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जब एलेक्स जूनियर को बॉक्स को ओपन करते हैं तो देखेंगे इस तरह का बॉटल है जिसके अंदर सिरप है। तो इसका उपयोग तभी करना है जब बच्चों को ड्राई कफ हुआ है, जैसे बच्चों को छींके आ रही है, एलर्जिक कंडीशन में नाक बह रही है और उसके आंखों से पानी आ रहा है और उसके थ्रोट में इरिटेशन है, गले में थोड़ा सा इरिटेशन है, तब इसका उपयोग किया जाता है। और यह बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है इन सब कंडीशन में, इन सब प्रॉब्लम में, जैसे कि बच्चों को छींक आ रहा है, नाक बह रहा है, उनकी आंखों से पानी आ रहा है, बच्चों की खांसी बार बार आ रही, तब तो इसका उपयोग करना है और फ़ायदा लेना। तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले बच्चों को पिलाने से पहले। अगर आप खुद से पिलाते हैं तो हो सकता है साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं, जैसे कि अपचन हो सकती है बच्चों को और ज़्यादा नींद आ सकती है। तो इसके अंदर जो कंटेंट है क्लोरोफिनेरामाइन मेलेट, ये क्या करता है, जैसे नाक वगैरह बह रही थी तो उसे कम करने में मदद करता है, छींक को कम करने में मदद करता है। और इसके अंदर जो डेक्सट्रोमीथरफन हाइड्रोब्रोमाइड है, ये क्या करता है, कफ सेंटर को जो सप्रेस करता है, तो इसके वजह से जो बार बार खांसी आ रही थी खा खा करके वह नहीं आती है। तो इस तरह से दोनों मॉलिक्यूल काम करते हैं। जैसे ही आप इसे पिलाना स्टार्ट करते हैं देखेंगे कि बच्चा बहुत ही अच्छा रिलीफ महसूस करने लगता है कुछ टाइम के बाद। इसके डोसेस के बाद बारे बात करें तो इसका ट्वाइस डेली है 5 डेज तक, और जिस तरह से डॉक्टर आपको एडवाइस करता है उसे ज़रूर फॉलो करें। अगर बच्चा 1 साल का है तो उसे 2.5 ml ट्वाइस थ्राइस दे सकते हैं। यह बच्चा 2 साल से लेके और 6 साल के बीच में है तो सिर्फ 5 ml ट्वाइस थ्राइस दे सकते हैं 5 दिन के लिए। तो जिस तरह से डॉक्टर आपको एडवाइस करता है बच्चों का सिचुएशन देख के आप उसे ज़रूर फॉलो करें। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक कर दें, और आप ऐसे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।